वेल, आज मैं जो मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसका नाम है ब्लैक स्वान, और इस मूवी को IMDb पर 8 की रेटिंग्स भी मिली हैं। जैसा कि हम सभी लाइफ में अपने सपनों के पीछे भागते हैं उन्हें पूरा करने के लिए, लेकिन तब क्या होगा जब आपका सपना पूरा हो रहा हो पर एक्साइटमेंट में आकर आप उसे खुद ही खराब कर दें। वेल, स्टोरी है ऐसी एक लड़की की जिसको अपना सपना पूरा करने का मौका मिला पर उसे एक ऐसी बीमारी हो गई जिससे सब कुछ गड़बड़ हो गया। अब देखना यह है कि उसका सपना पूरा होगा या नहीं। वेल, बिना समय गवाए हम मूवी की कहानी की तरफ बढ़ते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हम नीना को देखते हैं जो एक डांसर है। उसका सपना है कि वो प्रिंसेस ओडेटा का व्हाइट स्वान का रोल प्ले करे। व्हाइट स्वान का किरदार उनके प्ले में लीड व अहम रोल है, और उसकी माँ भी चाहती थी कि उसकी बेटी का ये सपना पूरा हो। फिर जब नीना कपड़े पहन रही होती है तो हम देखते हैं कि उसकी पीठ पर कुछ खरोचे हैं, पर नीना उसे इग्नोर करके अपनी बैले क्लासेस के लिए चली जाती है। अब जब वो रेडी हो रही होती है तो वो दो लड़की वरोनिका और लिली की बातों से चिढ़ जाती है, क्योंकि नीना को लगता है कि वरोनिका और लिली उससे अच्छी डांसर है और शायद उन्हें व्हाइट स्वान का रोल भी मिल सकता है। फिर नेक्स्ट सीन में थॉमस जो नीना और बाकियों का टीचर है वो प्रैक्टिस के दौरान आता है और सभी से कहता है कि जल्द ही हम दोनों स्वांस का सिलेक्शन करने वाले हैं और जो काबिल होगा उसे इस बार व्हाइट स्वान का रोल निभाने का मौका मिलेगा। नीना ये बात सुनकर थोड़ी नर्वस हो जाती है क्योंकि वो किसी भी हालत में ये रोल निभाना चाहती थी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि नीना सोते सोते भी डांस प्रैक्टिस कर रही होती है, तभी वो देखती है कि बैथ जो कंपनी की टॉप डांसर थी और व्हाइट स्वान का रोल निभाती आ रही थी वो अपने स्टूडियो का सामान तोड़ फोड़ रही होती है और गुस्से से बाहर निकलकर चली जाती है, जिसके बाद नीना उसके स्टूडियो में जाती है और खुद को उसके शीशे में देखती है और बैथ की लिपस्टिक को चुराकर अपने पर्स में रख लेती है। फिर नेक्स्ट सीन में नीना प्रैक्टिस कर रही होती है पर वो परफेक्ट नहीं कर पा रही थी, जिससे थॉमस उसे डांटता है और घर पर जाने को बोलता है। नीना खुद को बहुत ही ज्यादा नर्वस फील कर रही थी जिससे उसे हर जगह उसी का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा था। अब जब वो घर पर आती है तो अपने मूव्स को परफेक्ट करने के लिए प्रैक्टिस करती है, पर प्रैक्टिस करते वक्त उसका नाखून टूट जाता है और उसमें से खून बहने लगता है, जिसके बाद उसकी मॉम उसकी मरम पट्टी करती है और उसे ऐसे ट्रीट करती है जैसे कि वो कोई 12 साल की बच्ची हो। नेक्स्ट सीन में नीना बैथ की लिपस्टिक लगाकर थॉमस के पास जाती है और वो उससे कहती है कि वो व्हाइट स्वान का रोल अच्छे से कर सकती है और उसके लिए उसने खूब प्रैक्टिस भी की है, पर थॉमस कहता है कि उसने ऑलरेडी वरोनिका को व्हाइट स्वान के रोल के लिए चुन लिया है। वो नीना को बताता है कि मुझे तुम्हारे अंदर व्हाइट स्वान तो दिखती है और तुम खूबसूरत भी हो, पर तुम ऑडियंस को सरप्राइज देना नहीं जानती क्योंकि तुम हमेशा नर्वस ही रहती हो, पर वरोनिका व्हाइट स्वान और ब्लैक स्वान दोनों ही रोल बखूबी प्ले करती है। फिर तभी अचानक से थॉमस नीना को लिप किस कर लेता है, जिसे देखकर नीना शॉक हो जाती है और उसके होठों को दांतों से काट लेती है। अगले सीन में व्हाइट स्वान के रोल के लिए लिस्ट आती है। नीना वरोनिका को कांग्रेचुलेशंस कहती है क्योंकि थॉमस ने बताया था कि व्हाइट स्वान के रोल के लिए वो वरोनिका को कंफर्म कर चुका है, पर वरोनिका जब लिस्ट देखती है तो व्हाइट स्वान के लिए नीना को चुना गया था। अब वरोनिका को लगता है कि नीना ने उसका मजाक उड़ाया था, इसलिए वो वापस आकर नीना पर गुस्सा होती है। अब नीना जब देखती है कि वो व्हाइट स्वान के लिए सेलेक्ट हो गई है तो वो खुशी के मारे रोने लगती है, क्योंकि उसे यकीन नहीं था कि वो सेलेक्ट हो जाएगी, और ये खबर वो अपनी मॉम को भी सुनाती है। उसकी मॉम भी ये खबर सुनकर बहुत खुश होती है। नेक्स्ट सीन में नीना जब नहा रही होती है तो देखती है कि उसकी पीठ की खरोच अब बढ़ चुकी थी, ये देखकर वो घबरा जाती है। फिर अगले सीन में नीना प्रैक्टिस के दौरान सिर्फ नर्वसनेस वाला एक्सप्रेशन दे रही थी। थॉमस कहता है कि तुम्हें अपने अंदर इविल और गुड दोनों ही भावनाओं को जगाना होगा, तभी तुम इस प्ले में अपना बेस्ट कर पाओगी, और ये कहकर वहाँ से चला जाता है। फिर दूसरी टीचर नीना को टीच कर रही होती है कि जब इविल और गुड पर्सन के साथ तुम परफॉर्म करोगी तो तुम्हें कैसे एक्सप्रेशन देने हैं। फिर अगले सीन में थॉमस एक पार्टी रखता है जिसमें वो अनाउंस करता है कि अब की बार नीना व्हाइट स्वान का रोल निभाएगी और हमारी पुरानी व्हाइट स्वान बैथ इस साल रिटायर हो चुकी है, पर ये बात सुनकर बैथ गुस्सा होकर पार्टी से चली जाती है। अगले सीन में नीना देखती है कि उसकी उंगली की खाल निकल रही है और वो उसे खींचती है, पर वो देखती है कि वो बस उसका भ्रम था। फिर उसे लिली मिलती है, लिली उससे बात करना चाहती थी पर नीना उससे जलती थी इसलिए वो उससे बिना बात करे वहाँ से चली जाती है। फिर पार्टी हॉल में नीना को बैथ मिलती है। बैथ उससे पूछती है कि तुमने थॉमस को कैसे मनाया व्हाइट स्वान के रोल के लिए। बैथ को लग रहा होता है कि शायद नीना ने थॉमस के साथ फिजिकल रिलेशन बनाया था, और तभी थॉमस वहाँ पर आता है और बैथ को समझा बुझा कर वापिस भेज देता है। फिर थॉमस नीना से उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में पूछता है और कहता है कि अगर तुम्हें अच्छे से परफॉर्म करना है तो तुम्हें फिजिकल टच को बखूबी महसूस करना होगा कि आखिर जब प्यार करते हैं तो कैसी भावनाएं उत्पन्न होती हैं। नीना एकदम सिंगल थी जिसका अभी तक कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं बना था और उसकी मॉम उसे अभी भी बच्चों की तरह ट्रीट करती हैं। अब जब नीना अपने कपड़े चेंज कर रही होती है तो उसकी मॉम देखती है कि उसकी पीठ की खरोच और भी ज्यादा बढ़ गई है, जिसके बाद वो उसके बढ़े हुए नाखूनों को काटने लगती है। नीना अपनी मॉम के ऐसे बर्ताव से परेशान थी। फिर अगले सीन में नीना लव को डीपली फील कर रही होती है पर वो देखना भूल गई थी कि उसकी मॉम उसके ही रूम में होती है और वो शॉक हो जाती है। फिर
नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बेथ का एक्सीडेंट हो जाता है और ये सुनकर नीना को बहुत अफसोस होता है और वो उसे देखने के लिए हॉस्पिटल में जाती है। फिर जब वो बेथ के पैरों को देखती है तो घबरा जाती है क्योंकि उसका बहुत बुरी तरह से एक्सीडेंट हुआ था। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि नीना अपने रूम के डोर के नीचे एक लकड़ी का टुकड़ा लगा रही होती है क्योंकि वो अपनी मॉम से प्राइवेसी चाहती थी। उसकी मॉम ने उसके रूम में एक भी लॉकर नहीं लगा रखा था और जब चाहे मुंह उठाकर अंदर आ जाती थी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि थॉमस को नीना की परफॉर्मेंस पसंद नहीं आ रही थी क्योंकि वो बिल्कुल इमोशनलेस थी और उसमें कोई भी फीलिंग्स नहीं थी, जिसके बाद थॉमस खुद नीना के साथ डांस करने लगता है और उसे सेड्यूस करता है जिससे नीना अपना होश खोने लगती है। फिर थॉमस बताता है कि यही चीज है जो मुझे तुम्हारी परफॉर्मेंस में चाहिए। अब नीना अकेले बैठकर रो रही होती है तभी वहाँ पर लिली आती है और लिली उससे उसकी उदासी का कारण पूछती है। नीना बताती है कि ये रोल उसके लिए बहुत हार्ड होता जा रहा है और अब ऐसा लग रहा है जैसे वो ये कर ही नहीं पाएगी। फिर अगले सीन में नीना जब नहा रही होती है तो देखती है कि उसकी उंगलियों से खून बह रहा था, जिसे देखकर वो घबरा जाती है और अपने नाखूनों को काटने लगती है। दरअसल नाखून बढ़ने पर ही उसे ऐसे इल्यूजन दिखाई देते हैं। अगले सीन में फिर से नीना अच्छा परफॉर्म नहीं करती जिससे थॉमस उसे बहुत डांटता है क्योंकि इतना कुछ बताने के बाद भी वो परफेक्ट नहीं कर पा रही थी। जिसके बाद नीना लिली के साथ डिनर पर जाती है। अब नीना महसूस करती है कि जो वो लिली के बारे में सोचती थी वो गलत था, लिली बहुत अच्छी लड़की है। फिर लिली उसे ड्रग्स की गोली देती है लेकिन नीना वो खाने से मना कर देती है, पर जिसके कुछ देर बाद ये दोनों एक बार में जाती है और नीना वहाँ पर पहली बार ड्रिंक करती है, जिसके बाद नीना नशे की हालत में खूब डांस करती है। फिर जब वो ड्रिंक करके घर पर आती है लिली के साथ तो उसकी मॉम उस पर बहुत गुस्सा होती है, पर नीना लिली के साथ अपने रूम में जाती है और दरवाजे को लकड़ी से लॉक कर देती है, जिसके बाद लिली और नीना एंटीमेट होते हैं। अब जब नीना सुबह उठती है तो अपनी डांस क्लास के लिए लेट हो जाती है और जब वो डांस क्लास पहुंचती है तो देखती है कि उसकी जगह लिली को व्हाइट स्वान के लिए प्रैक्टिस कराया जा रहा था। प्रैक्टिस खत्म होते ही लिली नीना से कहती है कि मैंने व्हाइट स्वान की प्रैक्टिस जानबूझकर नहीं की, थॉमस ने मुझसे कहा था। फिर नीना कहती है कि कल रात तुम मेरे साथ एंटीमेट हुई थी, पर लिली कहती है कि हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। नीना समझ जाती है कि ये बस उसका एक सपना था जो ज्यादा ड्रिंक और सोचने की वजह से हुआ था। नेक्स्ट सीन में नीना को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने बचपन का सारा सामान तोड़ फोड़ कर कचड़े में फेंक देती है। फिर अगले सीन में डांस की फाइनल प्रैक्टिस कराई जाती है जिसमें नीना अच्छा परफॉर्म करती है और थॉमस को उसकी परफॉर्मेंस बहुत पसंद आती है, जिसके बाद नीना के लिए व्हाइट स्वान की ड्रेस बनवाई जा रही थी। पर तभी ड्रेसिंग रूम में वो लिली को देखती है और लिली उससे कहती है कि मुझे व्हाइट स्वान के रोल में अल्टरनेट चुना गया है। अब अपने ऑप्शनल में लिली का रोल सुनकर नीना घबरा जाती है और थॉमस से कहती है कि लिली मेरा हमेशा से रोल चुराना चाहती थी, पर थॉमस बताता है कि हम हर बार अल्टरनेट रखते हैं और यही यहां का रूल है और घबराओ मत, लिली ऐसा कुछ भी नहीं करेगी और तुम अपना बेस्ट देना। अब नेक्स्ट सीन में नीना जब प्रैक्टिस कर रही होती है तो उसे अजीब अजीब चीजें दिखाई देती है और वो देखती है कि थॉमस उसके साथ एंटीमेट हो रहा था जो बाद में मॉन्स्टर बन जाता है। ये देखकर वो घबरा जाती है और सीधा बेथ के पास हॉस्पिटल में जाती है और उसकी चुराई हुई चीजों को उसे वापस लौटा देती है, पर वो देखती है कि बेथ अपने चाकू से खुद को नुकसान पहुंचाने लगती है और ये देखकर वो बहुत घबरा जाती है और भागकर अपने घर पर आती है। पर घर पर भी उसे अजीब अजीब चीजें दिखाई दे रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे कि वो पागल हो चुकी हो। उसकी आंखें एकदम लाल हो चुकी थी और उसकी पीठ से कीड़े निकल रहे थे। अब उसकी ऐसी हालत देखकर उसकी मॉम परेशान हो जाती है, पर नीना उन्हें भगाने के चक्कर में उनका हाथ दरवाजे में कुचल देती है। फिर नीना देखती है कि उसके हाथ और पैर सब टूटने लगते हैं और वो नीचे गिरकर बेहोश हो जाती है। फिर जब उसे होश आता है तो वो बेड पर होती है और वो अपनी मॉम से बहुत गुस्सा थी क्योंकि उन्होंने उसे टाइम पर नहीं उठाया था, जिसके बाद वो अपनी कंपनी में पहुंचती है। थॉमस ने सोचा था कि नीना अब नहीं आएगी इसलिए उसने व्हाइट स्वान बनने के लिए लिली को रेडी कर रखा था, पर नीना आती है और कहती है कि वो ही व्हाइट स्वान बनेगी, जिसके बाद वो रेडी होने लगती है। फिर वो देखती है कि उसके पैरों की उंगलियां चिपक गई थी और ये देखकर वो घबरा जाती है। फिर रेडी होकर वो स्टेज पर जाती है और परफॉर्मेंस स्टार्ट कर देती है। अब स्टेज पर वो काफी अच्छा परफॉर्म कर रही थी, पर लिफ्टिंग करते वक्त वो नीचे गिर जाती है और ये देखकर थॉमस को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि वो अब भी डर डर कर काम कर रही थी। फिर पहला पार्ट खत्म होने के बाद नीना जब अपने स्टूडियो में जाती है तो देखती है कि वहां पर लिली होती है। नीना को लगता है कि वो उसका रोल जानबूझकर चुराने आई थी, इसलिए वो उससे लड़ाई करने लगती है और एक कांच का टुकड़ा उठाकर उसके पेट में घोप देती है, जिससे लिली मर जाती है। फिर लिली की डेड बॉडी को बाथरूम में छुपाकर वो उसका ब्लैक स्वान का रोल प्ले करती है जो दर्शकों को बहुत पसंद आता है। अब नीना पूरी तरह से ब्लैक स्वान के किरदार में घुस चुकी थी और उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि वो रियल में ब्लैक स्वान हो और थॉमस उसकी परफॉर्मेंस से बहुत खुश होता है। फिर जब नीना स्टूडियो में आकर देखती है तो लिली की डेड बॉडी वहां पर नहीं थी। फिर तभी लिली उसके डोर पर आकर उसे
कंग्रेचुलेशंस कहती है क्योंकि उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। अब उसे रियलाइज होता है कि वो उसका एक भ्रम था और वो खुद से ही लड़ाई कर रही थी, और वो देखती है कि उसके पेट में ही कांच का टुकड़ा था जिसे वो बाहर निकालती है और उसमें से खून बहने लगता है, जिसके बाद वो प्ले का फाइनल डांस करती है। फिर हम देखते हैं कि नीना के पेट से तेज खून निकलने लगता है। नीना ने अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दी थी जिससे थॉमस और बाकी पूरी टीम उससे बहुत खुश थी, पर खून को देखकर थॉमस परेशान हो जाता है। लेकिन नीना का व्हाइट स्वान बनने का सपना पूरा हो चुका था और ये मूवी इसी के साथ एंड हो जाती है। वेल, जो नीना को बीमारी थी उसका नाम है ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। इस बीमारी में इंसान को इमेजिनरी व काल्पनिक चीजें दिखाई देती है जो उसके साथ नहीं होती, और इस बीमारी का शिकार टेंशन लेने वाला व्यक्ति या अकेले रहने वाला व्यक्ति होता है। वेल, आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, और आपको वीडियो पसंद आई हो या ना आई हो लाइक और डिसलाइक करके भी आप हमें बता सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना, जिससे आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए।